हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो तो ये सेकंड पार्ट है हेरिंग लॉ ऑफ क्योर का इससे पहले हम फर्स्ट टू पॉइंट्स कवर कर चुके हैं आज हम थर्ड पॉइंट कवर करेंगे फ्रॉम द मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू द लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन तो यहाँ पे क्योर की जो डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर जो है वो कहाँ जा रहा है मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑब्वियसली वो हमारे इनर ऑर्गन होती हैं वाइटल ऑर्गन्स होती हैं तो क्योर भी पहले वाइटल ऑर्गन्स पे जाएगा मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स पे जाएगा जो सर्वाइवल के लिए जरूरी है और बाद में लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे द क्यूरेटिव प्रोसेस इज अपोजिट टू द डिजीज प्रोसेस द डिजीज प्रोसेस प्रोसीड फ्रॉम लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू द मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन वेर एज क्यूरेटिव प्रोसेस इज ऑलवेज फ्रॉम द मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू द लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन एज ऑलरेडी डिस्कस्ड अबव द इम्पोर्टेंट ऑर्गन लाइंग डीप टू द बॉडी एंड द लेस इम्पॉर्टेंट इन द आउटर पार्ट देखो यहां क्या, क्या कह रहे हैं कि जो हमारी जो हम कहते हैं इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है डिजीज जब होती है तो वो पहले क्या होगी कि लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स पर होती है ठीक है जैसे कि स्किन के ऊपर थोड़ी सी एलर्जी हुई स्किन के ऊपर हुई तो हमने कोई दवाई गलत ले ली या जैसे भी सप्रेशन हुआ बाद में और एस, एस्टमा वगैरह बन गया उसको रेस्पिरेटरी कंप्लेन आ गई तो वो क्या है एक सरफेस लेवल से वो अंदर की ओर गई वो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन से मोर की ओर जाती है डिजीज लेकिन जो क्योर है क्योर की डायरेक्शन क्या होती है वो जाती है फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन यानी कि सबसे पहले रिलीफ किस में आएगा रेस्पायरेटरी कंप्लेन्ट्स में आएगा फिर स्किन के अंदर आएगा ठीक है तो ये जो डायरेक्शन है मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन में आता है जो कि डिजीज प्रोसेस के बिल्कुल अपोजिट चलता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो होती हैं वो कहाँ पे होंगी डीप अंदर होंगी विद इन विद इन इनसाइड द बॉडी ठीक है और लेस इंपॉर्टेंट जो है बाहर की ओर होंगी तो इसीलिए वो सेकंड पॉइंट भी हमारा इसमें जस्टिफाई हो गया कि फ्रॉम विद इन आउटवर्ड क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है तो वो अंदर अंदर होंगे और लेस इंपॉर्टेंट है तो सरफेस लेवल पे होंगी सो एस ऑलरेडी डिस्कस द इंपॉर्टेंट ऑर्गन आर लाइंग डीप टू द बॉडी एंड लेस इंपॉर्टेंट इन द आउटर पार्ट इन दिस कंटेस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन इज डिटर्मिन बाई इट्स रोल इन रिटेनिंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट

लंग्स नहीं काम करेंगे तो पर्सन उसी वक्त मर जाएगा तो इसलिए जब भी हम मेडिसिन देते तो क्योर लंग्स के ऊपर सबसे पहले रिलीफ आएंगे सिम्टम्स में उसके बाद स्किन के ऊपर आता है ठीक है नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसका एक और एग्जाम्पल दे रखा है सो सेकेंड एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है इनकेस ऑफ र्यूमैटिक फीवर वेन अ रेमेडी इज एडमिनिस्टर्ड इट क्योर्स द कार्डिक सिम्टम फर्स्ट एंड फाइनली द ज्वाइंट प्रॉब्लम्स दिस इज बिकॉज क्यूरेटिव प्रोसेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन heart to the less important organ joints तो so, अगर rheumatic fever है उसमें क्या होता है पहले joints के ऊपर इफेक्शन आता है फिर वो धीरे धीरे heart के ऊपर चली जाती है disease okay. तो इसके अंदर जब हम medicine देंगे तो more important organ क्या है heart और लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन क्या है स्किन और सॉरी joints तो पहले रिलीफ किसके अंदर आएगा हार्ट complaints के अंदर रिलीफ आएगा फिर उसके बाद joints में आएगा क्योंकि important यहाँ पे क्या है हार्ट काम नहीं करेगा तो पर्सन वही मर जाएगा इसलिए हार्ट सिम्टम्स में पहले मेडिसिन एक्ट करती है जाके सो दिस इज बिकॉज द क्यूरेटिव प्रोसेस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन हार्ट टू द लेस ऑर्गन जॉइंट्स इन बोथ द केसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गन इन मेंटेनिंग द लाइफ एंड वाइटेलिटी प्लेड अ मेजर रोल ठीक है तो यहाँ वाइटेलिटी वगैरह वो मेंटेन करने के लिए ये इस हिसाब से होता है कि किस तरीके से वो ऑर्गन जो है पर्सन की लाइफ में जरूरी है ठीक है उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है लाइफ मेंटेन करने के लिए उस हिसाब से उसकी इम्पोर्टेंस जज होती है इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या आ रहा है समझ आपको इससे इससे हमें पता लग रहा है कि जिस तरीके से सिम्टम आए जैसे मान लो पहले पेशेंट को आया स्किन कंप्लेंट ठीक है फिर उसको आया मान लो डायरिया लग गया उसको ठीक है उसके बाद उसको रेस्पैरेटरी डिजीज आ गई ठीक है तो ये था एक सीक्वेंस स्किन सिम्टम आए डायरिया आया रेस्पेरेटरी सिम्टम आए ये एक अब ये कह रहे हैं रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ये जो ऑर्डर था इसके रिवर्स में क्या और होगा तो रिवर्स में क्या होगा पहले रेस्पिरेटरी में रिलीफ आएगा फिर डायरिया में आएगा फिर स्किन में आएगा ठीक है ये ही कह रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें दिस प्रोसेस इज वेरी ट्रू इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस The past history of the patient reveals the list of diseases the patient had suffered within his life. तो so, ये जो point है ये तब हमें help करता है जब हम chronic cases पढ़ रहे होते हैं, chronic cases से deal कर रहे होते हैं। ठीक है क्रॉनिक केसेस में क्या होता है पेशेंट दस साल से एक बीमारी से डील कर रहा है तो जब आप उसको आ, केस टेकिंग करोगे वो बताएगा कि हाँ ये ये बीमारी उससे पहले फिर ये थी उससे पहले ये थी तो एक हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी उसको हम क्या करेंगे एक तरीके में से लिख लेंगे जैसे मैंने आपको बताया पहले पर्सन को स्किन है फिर डायरिया है फिर रेस्पिरेटरी कंप्लेन आई तो हमने उसको एक तरीके से एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख लिया अब इसी ऑर्डर को रिवर्स फॉर्म में क्योर होएगा ठीक है

रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपर ऑफ द डिजीजियर फर्स्ट इन देश विलर दो सिम्टम ऑफ द डिजीज दट अपियर लास्ट दैट इज रिसेंटली विल बी द फर्स्ट टू डिसअपियर ठीक है तो यहाँ पे जो अभी रिसेंट सिम्टम होएंगे सबसे पहले उसमें रिलीफ आएगा और जो सबसे पहले सिमटम उसको आए थे वो बाद में जाएंगे अब ये एक तरीके से आपको होगा कि भाई क्यों क्योंकि देखो बीमारी जो है ना डिजीज का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है लेस इंपॉर्टेंट से मोर इम्पोर्टेंट पे जा रहा होता है तो बीमारी जो है वो मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन को की ओर बढ़ रही होती है तो रिलीफ भी सबसे पहले मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन के अंदर ही आता है इसलिए रिवर्स ऑर्डर का बोला हुआ है द पेशेंट हिस्ट्री रिवील दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम यूजिंग इच ही स्किन इरप्शन इंस ट्वेंटी ईयर्स ठीक है तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि पेशेंट को स्किन इरपशन हो रहे हैं बीस साल से ठीक है देन उसको कॉन्स्टिपेशन भी था और ब्लीडिंग हेमराइड से फाइव ईयर्स से ठीक है ट्वेंटी ईयर्स से उसको स्किन इरप्शन थे फाइव ईयर्स से उसको हेमेराइड्स थी देन एस्तमा की प्रॉब्लम हो गई विद ड्राई कफ एंड ब्रेथलेसनेस सिंस टू ईयर्स तो एजमा उसको दो साल से है ठीक है तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर मिल गया अब इसके रिवर्स ऑर्डर में इन्होंने कहा है होगा डिसअपियर तो रिवर्स ऑर्डर क्या है पहले एजमा में रिलीफ आएगा फिर हेमेरायड्स के अंदर आएगा फिर स्किन इरप्शन में समझ आ गया So, if uh, uh, to such a case a similar remedy is administered, it will remove the symptoms of the bron bronchial asthma first, and then the symptoms of the hemorrhoids, and finally the, the symptoms of the skin eruption.

Administration of the curative remedy. Some old symptoms which were suppressed in the past may also reappear. This happens in their order of appearance. This is a good indication and indicate that the remedy is curing the case. Kaibari kya suppressed symptom जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन देते हो तो जो सप्रेस सिम्टम होते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं क्योंकि बीमारी जो है रूट कॉज से हम निकाल रहे हैं तो वो जो वो भी अपने उस तरीके से अपीयर हो जाएगी तो वो आके फिर वो भी ठीक होकर चली जाएगी ठीक है ऐसे वो रहेगी नहीं वो चली जाएगी वो बीमारी जो पुरानी कोई अगर वापस भी आ जाती है तो समरी क्या है दीज फोर स्टेप्स एक्सप्लेन है हैव टू बी एडमिनिस्ट्रेड इन अ सिंगल यूनिट आफ्टर द रेमेडी इफ द द सिम्टम्स आर फॉलोइंग लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर द फिजिशियन कैन बी श्योर ऑफ द क्योर इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ द केस एज सुन एज द सिम्टम्स स्टार्ट फॉलोइंग द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर फर्द रिपीटेशन ऑफ द मेडिसिन हैज टू बी जैसे ही आप मेडिसिन दोगे मेडिसिन देने के बाद अगर वो मेडिसिन हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो कर रही है तो आपको उसी वक्त दवाई का दे देना रोक देना है उसका रिपिटिशन रोक देना है मतलब मेडिसिन अपना एक्शन कर रही है तो आप उसको करने दो उसका एक्शन और डोज देकर उसको स्टिमुलस लेने की जरूरत नहीं है एनी सब्सटेंस दैट डिस्टर्ब एक्शन ऑफ द रेमेडी हैज टू बी विदड्रॉन ऑफ क्योर कैन बी कॉल्ड द गाइड टू द फिजिशियन इन दार्ट टू द दाइएस्ट आइडियल ऑफ क्योर तो ये एक तरीके से हमारे लिए एक गाइड है एक फिजिशियन के लिए हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर एस्टेब्लिश करने में हेरिंग्स लॉ हमारी मदद करता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए प्लीज उसको कमेंट करें ठीक है तो उसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके बारे में ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी थैंक यू सो मच